हाय गाइस, कैसे हैं आप? दिस इज अमित वाधवानी और आज आपके पास मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आया हूं। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को के वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखते हो तो आपकी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कंटेंट गोरिल्ला, ये 2.0 लेटेस्ट वर्जन है ये। और इसका काम क्या क्या होता है और ये आपके पास क्यों होना चाहिए, ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हमारे पास मोर देन 10,000 सॉफ्टवेयर्स हैं जिसका यूज़ करके आप डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल बात हो रही है कंटेंट गोरिल्ला की, तो अपन इसी में फोकस करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर का काम क्या है। तो ये चालू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा मेन मोटो जो इस चैनल का है वो ये है कि मार्केट में जो हाई फाई सॉफ्टवेयर्स बिकते हैं और अच्छे से सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना और मार्केट से बहुत कम प्राइस में आपको ये प्रोवाइड करवाना और सबसे बेस्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करवाना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक तो ये है कि आप फ्लेक्सिबल चीज़ों को सर्च कर सकते हो। सर्च एंड क्रिएट कंटेंट इन 105 लैंग्वेजेस। अब आप लोग सर कि ये किस लैंग्वेज में हम कंटेंट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो कोई भी लैंग्वेज में आप बना सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है 105 लैंग्वेजेस में आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे वो आपको मैं समझाऊंगा वन बाय वन। सेकंड चीज है यहाँ पे डीप सर्च फिल्टर, आप डीपली सर्च कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे। तीसरा है क्विक कन्वर्ट, आप चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हो, कंटेंट को अपने फॉर्म के कॉपीराइट फ्री के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ग्रामर मिस्टेक्स को भी आप यहाँ पे सुधार सकते हो। ऑटो पंक्चुएटर्स होते हैं, मैं समझाऊंगा क्या होता है ये। फाइंड एंड रिप्लेसेस, आप वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हो फाइंड करके अट्रैक्टिव वर्ड्स के साथ। कंटेंट स्पिनर कर सकते हो, कंटेंट स्पिनर किसी का और कंटेंट का उठा के आप यहाँ डालोगे तो उसको स्पिनिंग करके जो है नया कंटेंट बना के आपको देगा और जो कॉपीराइट फ्री होगा यहाँ पे। इमेजेस जो है आपके ब्लॉग्स में ऑटोमेटिक लग जाते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ ये है कि डैशबोर्ड्स में समझाऊंगा क्या होता है, और दूसरी बात यह है कि सबसे मोटा मोटा अगर मैं बात करूं इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और ये अगर वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आप अंत में अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अमित वाधवानी आपको गारंटी देता है, डिजिटल अमित आपको गारंटी देता है कि ये सॉफ्टवेयर आप परचेज करके ही जाओगे। तो सबसे पहले ये देखो डैशबोर्ड की अगर बात करूं मैं, अब जैसे मैं मुझे सबसे पहले कोई कंटेंट बनाना है तो यहाँ पे क्या होता है, आप किसी भी YouTube वीडियोस का कंटेंट उठा के ब्लॉग बना सकते हो। पहली चीज यहाँ पे ये यह है कि आप YouTube वीडियोस से ब्लॉग बना सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखा मैं एयर पॉल्यूशन, आप हिंदी इंग्लिश जो चाहे कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मुझे एयर पॉल्यूशन के ऊपर क्या करना है, ब्लॉग बनाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कोई वीडियो निकाल लिया, मोस्ट व्यूड मैंने निकाला और क्रिएटिव कॉमन निकाला ताकि जो है कॉपीराइट क्लेम ना आए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी कंटेंट हम ब्लॉग्स बना सकते हैं। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे चलो ये मैंने उठा लिया एनवायरमेंटल जस्टिस का कोई मैंने यहाँ पे वीडियो उठा लिया, ठीक है। वीडियो जैसे ही मैंने यहाँ से उठाया तो ये देखो इसने क्या किया, लैंग्वेज मैंने अभी इंग्लिश सेलेक्ट की है, मैं जो चाहे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसने क्या किया ये देखो, यहाँ पे इसने पूरा इसके वीडियो के हिसाब से इसने मुझे पूरा ब्लॉग बना के दे दिया जो कॉपीराइट फ्री है, बिल्कुल मैं ब्लॉग हर जगह यूज कर सकता हूँ। इसमें आप इमेजेस लगा सकते हो, टैग्स आप निकाल सकते हो, देखो कौन सा टैग है इसमें, एसईओ का एसईओ के जो एसईओ यूज हुआ है यहाँ पे वो आप देख सकते हो, सिंडिकेशंस आप देख सकते हो, पब्लिश चाहो तो पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। ये जो आपने ब्लॉग बनाया उसको पब्लिश कर सकते हो। अब सबसे मज़ेदार बात यह है, ये देखो यहाँ पे इमेजेस आप चेंजेस कर सकते हो, ये देखो ये ब्लॉग मेरा बन गया। करेक्ट ग्रामर पर क्लिक किया मैं तो ग्रामर मिस्टेक जितने भी हैं ये देखिए ग्रामर एरर्स सारे ठीक हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये मेरा ब्लॉग बन गया, चाहे तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ, पोस्ट कर सकता हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। तो ब्लॉगिंग के लिए आपको ब्लॉग करना है, कोई कंटेंट बनाना है तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। अब सेकंड ये है देखो कि इसको अगर मैं चाहूँ तो कोई भी ब्लॉग जो बनाता हूँ मैं हिंदी में बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको हिंदी में बना सकता हूँ, हिंदी का भी करके दिखाता हूँ। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर ब्लॉग आप जो कंटेंट बना रहे हो उसको हिंदी में बनाकर दिखाओ। तो जैसे मैंने लिखा कि एयर, जैसे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग लिख देता हूँ, ठीक है। मैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है तो इसके कुछ वीडियोस निकलेंगे, ठीक है। सर्च कर लेता हूँ मैं यहाँ पे,
जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया कुछ वीडियोस आ गए, जैसे मैंने इस वीडियो को उठाया, क्रिएट इसको उठाया मैंने यहाँ पे, इसका मैं सबसे पहले यहाँ पे बनेगा मेरा क्या ब्लॉग बनेगा पूरा अच्छे से, ये बनने के तैयार हो रहा है मेरा, यहाँ पे बना नहीं है ठीक है। ओके जैसे मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट जो है इंग्लिश कर देता हूँ यहाँ पे मैं। ओके यहाँ पे आप देखिए कैसे कंटेंट बनेगा मेरा आके यहाँ पे, आप समझते हैं फिर से। ओके डिजिटल क्या है, मैं आपको हिंदी में करके दिखाता हूँ, आप किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पे बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मैं सर्च किया यहाँ पे, और सर्च करने के बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो चीज़ों को, जैसे मैंने ये पोस्ट उठाया, मुझे यहाँ से पोस्ट बनाना है इस वीडियो के हिसाब से, तो ये देखिए ये मेरा पोस्ट बनकर तैयार हो गया। अब मुझे इसको चेंज करना है हिंदी में, तो मैं हिंदी में चेंज कर लेता हूँ, ये मैंने हिंदी में चेंज किया, तो ये मेरा ब्लॉग जो है ये हिंदी में बनकर तैयार हो गया। ये देखिए मेरा ब्लॉग जो है हिंदी में बनकर तैयार हो गया। तो मैं जिस चाहे लैंग्वेज में मैं यहाँ पे ब्लॉग्स बना सकता हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ ठीक है। तो ये चीजें हैं सबसे पहली। ओके अब इसके बाद मैं सेकंड चीजों पे आता हूँ कि यहाँ पे मॉडर्न चीजें क्या कर सकता हूँ। अब मैं चाहूँ तो इसको अपनी वेबसाइट से लिंक कर सकता हूँ, जैसे मेरी कोई वेबसाइट है, ब्लॉग की वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पे अगर वेबसाइट से लिंक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक यहीं से मेरे ब्लॉग जो है मेरे वेबसाइट पे पोस्ट हो जाएंगे। तो मैं चाहूँ तो अपनी वेबसाइट को यहाँ पे अपनी वेबसाइट टाइटल जो है सबको ऐड कर सकता हूँ। तो यहीं के आपके पोस्ट जो आप बनाओगे यहाँ पे क्रिएट करोगे उसको अपनी वेबसाइट पे जाके लैंड कर सकते हो। बल्क में चाहो तो पोस्टिंग कर सकते हो यहाँ पे एक साथ, बहुत सारी वेबसाइट पे, अलग अलग वेबसाइट पे चाहो तो पोस्ट कर सकते हो। शेड्यूलिंग कर सकते हो पोस्टिंग की आप यहाँ पे ठीक है। चैनल शेड्यूलर क्या है मैं समझा देता हूँ आपको, इसको जो चाहे देखिए यहाँ पे न्यू चैनल आप बना सकते हो अपने पोस्टिंग का, ब्लॉग का, देखो वेबसाइट सेलेक्ट कर लिए, तो अपनी पोस्ट बना के कंटेंट क्रिएट करके आप चाहो तो इसको अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग्स पे भी डायरेक्ट लैंड कर सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल रीराइटर क्या होता है मैं ये समझाता हूँ। मेरे पास कोई मान लो आर्टिकल है ठीक है, मेरे पास किसी और का आर्टिकल है, मुझे अच्छा लगा मैं उसी को यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन डायरेक्ट अगर मैं यूज़ करता हूँ तो कॉपीराइट क्लेम आता है, या तो फिर वो एसईओ नहीं हो पाता ठीक है। जैसे मैंने किसी का कोई कंटेंट उठाया ठीक है, आर्टिकल इन एयर पॉल्यूशन ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे कंटेंट उठा लिया, यहाँ पे एक कोई मैं आर्टिकल उठा लेता हूँ यहाँ से, मैं कुछ आर्टिकल कुछ भी उठा लेता हूँ यहाँ से, देख लेते हैं अपन समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया यहाँ पे, चलिए मैंने यहां से यहां तक ये आर्टिकल उठा लिया ठीक है, मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, ऑटो सेंटेंस चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए, ऑटो न्यू पैराग्राफ चाहिए मुझे, चलो ठीक है मुझे ये सब चाहिए। चेंज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में चेंज करना चाहता हूँ बिल्कुल कर सकता हूँ, रीऑर्डर पैराग्राफ ओनली यूज, ये देखो ये मैं कर दिया। अब मैं यहाँ पे रीराइट करता हूँ, जैसे मैं रीराइट करूंगा तो यही कंटेंट जो है अलग फॉर्म में, देखो अलग फॉर्म में ये मेरा कंटेंट इसमें सक्सेसफुल, तो ये सब कंटेंट को ही स्पिनिंग करके चेंजेस करके जो है इसने नया कंटेंट बना दिया। अब इस कंटेंट को मैं चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ कहीं भी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना कोई कॉपीराइट क्लेम आएगा, ना कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ नहीं। और एसईओ में आप अपनी वेबसाइट के एसईओ में आप यूज कर सकते हो बिल्कुल, इससे एसईओ होगा आपका। ओके ये चीज हम कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं ये हम समझते हैं। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि हम किसी भी YouTube के वीडियोस के कंटेंट को ब्लॉग पोस्ट में चेंज कर सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे अपने पोस्ट डायरेक्ट डायरेक्ट पोस्टिंग कर सकते हैं अपन यहाँ से, ऑटोमेशन कर सकते हैं, और इसके अलावा आर्टिकल रीराइट कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। इंटीग्रेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इंटीग्रेशन है। मैं चाहूँ तो इसको मैं अपने फेसबुक के पेज पे या ग्रुप पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकता हूँ, मतलब मेरा पोस्ट जो है मेरे फेसबुक पे ऑटोमेटिक चला जाएगा, ट्विटर पे चला जाएगा, लिंक्डइन पे चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मैंने पोस्ट बनाया है, कंटेंट बनाया है, डायरेक्ट मेरे फेसबुक पे चले जाए, ट्विटर पे चला जाए, लिंक्डइन पे चला जाए, तो मैं ये कर सकता हूँ ठीक है। पोस्ट आर्चिव वगैरह से रख सकता, सेटिंग वेटिंग सब चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, आपको सेटिंग्स पे यहाँ पे यूट्यूब की एपीआई बस लगानी होती है, वो मैं सिखा दूंगा,
ठीक है, अगर किसी भी कंटेंट पे आप जो बना रहे हो, चाहते हो कि मेरा इमेज और कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो सारे पोस्ट पे होना चाहिए मेरा, तो यहाँ पे सेट कर सकते हो, तो वो चीजें ऑटोमेटिक हर पोस्ट पे आपका आ जाएगा। अब बात रही इस सॉफ्टवेयर की, अगर आप इस सॉफ्टवेयर की बात करते हो, अगर आप इस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे मार्केट में, ये लेटेस्ट वर्जन है, 2.0 है ये, ना कि 2.1 है। तो अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो ये आपको देखिए यहाँ पे कंटेंट गोडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यही जो है आप कितने मिलता है आप चेक कर सकते हो। लगभग बहुत ज़्यादा आपसे प्राइस लिया जाता है इस सॉफ्टवेयर का, अगर आप चेक करो तो, ठीक, अगर आप इस चीज़ को चेक करते हो देख लो कितना आपसे लिया जा रहा है, 47 47 डॉलर आपसे लिया जाता है इस प्रोडक्ट के लिए। जिस 47 आप कैलकुलेट करो कितना होता है, लगभग लगभग ये 4,500 के आसपास होगा आपका, 4,000 समथिंग तो होगा, ठीक है, 4,000 समथिंग होगा आपका। लेकिन ये मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपीज़ में, ये सॉफ्टवेयर मिल जाता है। सर्विस के साथ कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। और ये मैं आपको कैसे प्रोवाइड कराता हूँ, देखो मेरे पास इसकी एजेंसी है, मेरे पास इस प्रोडक्ट की एजेंसी है, मैंने एजेंसी ली हुई है यहाँ पे। और मैं जो, अगर आपके लिए अकाउंट बनाना है तो मैं यहाँ से अकाउंट बनाता हूँ आपके लिए। देखो मैंने दो अकाउंट अभी रिसेंटली आज ही बनाया हुआ है, तो मैं क्रिएट यूजर्स करके मैं आपको अकाउंट बना के यहाँ से देता हूँ। और अगर आप इस प्रोडक्ट का रीसेल भी करना चाहते हो, जैसे मैं आपको बेच रहा हूँ, तो अगर आप इस प्रोडक्ट का रीसेलिंग करना चाहते हैं, तो ये इस प्रोडक्ट की रीसेलिंग आपको मिल जाती है 6,000 में। एडमिन पैनल सिर्फ आपको सिर्फ 6,000 में मिल जाता है, और सिंगल अकाउंट अगर आपको चाहिए तो ये 1,000 में आपको मिल जाएगा। तो इतनी बेहतरीन चीज है, इसका लैंडिंग पेज भी मैं आपको दिया हूँ, आप चेक कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो अगर कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हो, पोस्ट बनाते हो, कंटेंट बनाते हो अपनी वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉगिंग के लिए, या किसी भी तरह का कंटेंट आपको बनाना है, ठीक, तो और आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन मिलता है, ऑटोमेशन मिलता है कि आपके अपने वेबसाइट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे डायरेक्ट आपका पोस्ट, यहाँ का कंटेंट जो है पोस्ट हो जाएगा अपने आप, जिस टाइम पे आप शेड्यूल करोगे। तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हो, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप कोई प्रोडक्ट लो या मत लो, कोई चीज़ आप लो या मत लो, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए 100%। ये प्रोडक्ट ऐसा है जो आपके पास होना चाहिए, इसका नाम ही है कंटेंट गोरिल्ला। तो पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये प्रोडक्ट आप ले लो, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। 1,000 इसकी फिक्स प्राइस है, 4,500 का प्रोडक्ट आपको सिर्फ 1,000 मिलता है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। और अगर आप सेलिंग करना चाहते हो, अगर आप रीसेलिंग करना चाहते हो, उस प्रोडक्ट को एज अ एडमिन बना लेना चाहते हो, तो भी आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। ये प्रोडक्ट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, बिल्कुल आप ले सकते हो इसको। चाहो तो आप फेसबुक पे एड्स चला के भी सेल कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो इस प्रोडक्ट को फेसबुक पे सेल एडवर्टाइज करके भी आप एड चला के आप बेच सकते हो। तो 6,000 का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका, और उसके बाद जितने लाइसेंस आपको बना के बेचने आप बेच सकते हो। तो दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, सो सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल लाइसेंस इज आल्सो अवेलेबल, एंड रिसेलिंग अकाउंट इज आल्सो अवेलेबल। सो टेक केयर, गुड बाय, चेक द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी लिंक चेक करिए, इन्फॉर्मेशन चेक करिए। सो टेक केयर, गुड बाय।